चलो उठो, तमाम कमरे साफ करने होंगे, आ जाओ। ठीक है, मगर कल मैं स्कूल जाऊंगी। पहले तुम काम करो, फिर मैं फैसला करूंगी कि तुम जाओगी या नहीं। क्या शर्मिन आंटी ये जानती हैं? क्या यही क्या आपका रवैया मेरे साथ अच्छा नहीं? और आपकी शर्त है कि अगर मैं सफाई करूंगी तो ही आप मुझे स्कूल जाने देंगी। तुम कौन होती हो इस तरह बात करने वाली? अब तुम सिखाओगी मुझे? आपने मुझसे स्कूल भेजने का और अच्छा रवैया रखने का वादा किया था। रवैया तुमसे अच्छा है? अगर तुम मेरी अपनी सगी बेटी भी होती, काम तो तब भी करना पड़ता। ये बातें करके क्या आप अच्छी इंसान बन जाएंगी? देखो लड़की, तुम्हारी मर्जी है, यहाँ रहना है तो काम करना ही होगा, और अगर तुम्हें नहीं करना है तो यतीम खाने जा सकती हो तुम। सिंड्रेला भी इसी तरह सफाई करती होगी जब उसे महल में बंद कर दिया होगा, और दिन के इख्तिताम पर उसका शहजादा आ गया और उसे बचा लिया। शहजादी एलिना को बहुत ही खौफनाक हालत में रहना पड़ा था। तो ठीक है शहजादी, सब्ज बालों वाली खूबसूरत तरीन शहजादी, मौसम सरमा के रक्स के वक्त बदल जादूगर बादशाह ने मेरे बाबा पे जादू कर दिया और जादू का इस्तेमाल करके मुझे दूर दराज ममालिक में भेज दिया। अपने वतन वापस आने के लिए मैंने बर्तन धोए और कपड़े भी धोए, सामान तक उठाया, मैंने सब कुछ किया शहजादी, मगर इन्हीं चीजों ने मुझे मजबूत बना दिया और अच्छा दिल रखने वाले गरीबों को समझने में मदद मिली मुझे। तुम यहाँ पर अकेली किससे बातें कर रही हो लड़की? तुम्हें पागल खाने से नहीं यतीम खाने से लेकर आई हूँ मैं, और ये क्या अजीब सा कपड़ा डाला हुआ है पीठ पर? और जो काम करने को दिया उसे जल्दी से करो, समझ आई? बस काम चोरी करा लो इससे। मासूम बच्ची, इस वक्त क्या कर रही होगी वो? क्या सोच रही होगी? कैसा महसूस करती होगी? उसने भरोसा किया था हम लोगों पर, किस कदर खुश थी वो यहां पे, वो इस घर को अपना घर समझती थी, खुद को फैमिली का हिस्सा मानती थी, लेकिन हमने उसके साथ क्या किया? हमने उसे छोड़ दिया खुशबख्त, भेज दिया यहां से उसे, जबकि वो हमारे साथ ही रहना चाहती थी। हमने उसका साथ नहीं दिया, अकेला छोड़ दिया उसे। क्या तुम्हें वो हलील याद है? हलील का कह रही हूं, उसने उस औरत की जायदाद पर कब्जा कर लिया है, बदमाश कहीं का। और खाने में जहर
मेहमत अक्कल ने गलती से उसको खा लिया, तभी वो बीमार पड़ गए। अब आप ही बताएं, मैं कैसे उन पे भरोसा करूं? मुझे समझ नहीं आ रही कि क्या हो गया है। मेहमत अक्कल ठीक तो हो जाएंगे ना? क्या आपने कभी कोई ख्वाहिश की है माहिनूर? क्या काश कहा है कभी? किस बारे में? 40 साल में कुछ नहीं बदला, सब वैसे का वैसे ही है। मैं और आप, ठीक कहा ना मैंने? अब क्या बदलेगा? हम सफर, बच्चे, कभी सोचा नहीं इस बारे में? नहीं, कभी नहीं सोचा। मैं सोचता हूं। सोचने से क्या फायदा होगा मैदिन? कुछ नहीं, कुछ भी नहीं। क्या तुम्हें शादी ना करने का अफसोस है? पता नहीं, या शायद नहीं। तो फिर काश किसके लिए कह रहे हो तुम? बच्चों के लिए। काश बच्चों के लिए कहता हूं। काश मेरे इर्द गिर्द होते। बाबा कहते मुझे, बातें किया करते मुझसे, मेरी बातों को गौर से और एहतराम से सुना करते हैं। एक बेटा और एक बेटी। तुम आज पहली बार ऐसी बातें कर रहे हो। अचानक से ये ख्वाहिश कहां से पैदा हो गई तुम्हारे अंदर? कहां से? हाँ, शायद इसलिए कि हमने सालों बाद इस घर में बच्चे की आवाज सुनी। बच्चों की आवाजें सुनना अच्छा लगता है तुम्हें? अभी ज्यादा वक्त नहीं गुजरा है, तुम अभी भी चाहो तो बच्चे पैदा कर सकते हो।